गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि नोखा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट आ चुका है, ऐसे बता रहे हैं। पुष्टि, फाइनल पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, फिर भी बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। अभी उसकी सेकेंड जाँच भी होगी, तो सुरक्षित रहो, घर पर रहो और ध्यान रखो अपना पूरा, और साथ ही पढ़ाई करते रहो। क्योंकि लिए क्या पता स्कूलें कब से खुले, जैसे ही खुलेगी तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, जो सिलेबस है तो वो अचानक इतना सारा कहाँ से हो पाएगा। तो आप साथ साथ देखते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो, अपने साथ कोई धोखा मत करो। तो ट्रिवल नेमिंग सिस्टम में आते, ट्रिवल नेमिंग सिस्टम में आज पढ़ेंगे हम उसका लेक्चर थर्ड, है ना। हमारा जीओसी चल रही थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ट्रिवल नेमिंग चल रही थी, और ट्रिवल नेमिंग के हमने दो लेक्चर डिस्कस कर लिया, आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा लेक्चर। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी सैचुरेटेड मोनो वेलेंट रेडिकल के लिए हमने क्या पढ़ा था, एन आइसोनियो। फिर हमने किसी कार्बन के अन्य कार्बन से जुड़ने की क्षमता के आधार पर हमने पढ़ा था प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन और चतुर्थ कार्बन, और उनसे जुड़े हाइड्रोजन को हमने बोल दिया प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीय हाइड्रोजन और तृतीय हाइड्रोजन, चतुर्थ नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन चतुर्थ कार्बन में उसकी वैलेंसी फ्री नहीं रह पाती। ये यहां तक डिस्कस कर लिया, उसके बाद में हमने उसका संकरण पढ़ लिया, फिर हमने उनका 109 डिग्री बॉन्ड एंगल, कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे उनको पढ़ लिया। तो आज हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉमन नेमिंग सिस्टम में नाम कैसे लिखा जाता है, कि उसका कॉमन नेमिंग सिस्टम में कैसे नेमिंग की जाती है, कैसे किस बेस पे नेमिंग की जाती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखेंगे जनरल कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। तो जनरल कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, जनरल कॉमन नेम जनरल कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है। तो जनरल कॉमन नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, तो नाम से पहले आता है सबसे पहले प्रीफिक्स, ये कहां से आएगा, प्लस हम लिखेंगे उसमें सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स कहां से आएगा, होम हाइड्रोकार्बन चेन से, हाइड्रोकार्बन से आएगा। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इन हाइड्रोकार्बन चेन से आएगा। फिर सफिक्स किससे लिखेंगे, फोम फंक्शनल ग्रुप से, फोम फंक्शनल ग्रुप से। तो अब हमें पता चलना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उनका सफिक्स क्या है, उनका अनुलग्न क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए इनका सफिक्स क्या होगा, तो वो देखेंगे। किस फंक्शनल ग्रुप के लिए उनका सफिक्स क्या होगा, तो वो देखेंगे। अगर SO3H तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, OH आ जाए, है ना, किसी प्रीफिक्स से जुड़ा OH हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अल्कोहल, पूरा नाम लिखेंगे अल्कोहल। अगर आपके पास आ जाए O की जगह S आ जाए, तो इसे बोलेंगे हम थायो अल्कोहल। उसे हम क्या बोलेंगे, थायो अल्कोहल। अगर आपके पास आ जाए डायरेक्ट ओ, तो इसे हम बोलेंगे इथर। अगर आ जाए आपके पास एस, तो इसे बोलेंगे थायो इथर। क्या बोलेंगे, थायो इथर। क्लियर? अगर आपके पास आ जाए कौन, एक्स, तो इसे बोलेंगे हैलाइड। क्या बोलेंगे, इसे हैलाइड। अगर ऐसे ही आपके पास आ जाए सी ओ ओ एच, तो इसे बोलेंगे एक अम्ल, एक अम्ल। क्लियर? अगर आपके पास आ जाए कुछ ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ सी, तो इसे बोलेंगे हम कीटोन। अगर आपके पास आ जाए सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अगर आपको आ जाए एनओ टू, इसे बोलेंगे नाइट्राइट।
इसे बोलेंगे नाइट्राइट। अगर आपके पास आ जाए, ऊपर लिख रहा हूं दिखते जाना, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसे क्या बोलेंगे साइनाइड। अगर आपके पास आ जाए एन ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इसे बोलेंगे आइसो साइनाइड। क्लियर, ऐसे हम उनका नाम लिखेंगे। अब आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के लिए नेमिंग कैसे लिखते हैं, इस चीज को देखेंगे, है ना। तो सब नेमिंग हो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए देखेंगे। ग्रुप के लिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं पहले कि फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी या द्वितीयक, सेकेंडरी या द्वितीयक जिसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे, द्वितीयक, टर्शरी या तृतीयक इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, शब्द कब प्रयुक्त होता है ना। फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी टर्शरी शब्द कब प्रयोग करेंगे, तो देखते हैं कब प्रयोग करेंगे। तो सेकेंडरी कब शब्द प्रयोग करेंगे, सेकेंडरी किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए अगर जुड़ा है तो उसके लिए सेकेंडरी कब प्रयोग करेंगे, उसके लिए द्वितीयक शब्द कब प्रयोग करेंगे, और उसके लिए हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। कब प्रयुक्त करेंगे, जब जब फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। कब सेकेंडरी कब यूज करेंगे, जब क्रियात्मक समूह समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, या ऐसा बोल सकते हैं जब मुक्त संयोजकता जकता 2 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हो। अब टर्शरी कब यूज करेंगे, तृतीयक टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वही बात, जब क्रियात्मक समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो जुड़ा हो, या जब मुक्त संयोजकता, सब देखेंगे मुक्त संयोजकता तृतीय कार्बन पर उपस्थित हो, इसको देखेंगे। क्लियर, सेकेंडरी और टर्शरी यूज कब काम लेंगे। अब एक शब्द आता है एक्टिव, एक्टिव भी देख लेते, एक्टिव जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिव कब आएगा, तो एक्टिव के लिए देखो, एक्टिव के लिए यहां लिख रहा हूं कि एक्टिव कब प्रयुक्त होगा, एक्टिव कब हम देखेंगे, तो एक्टिव के लिए देखते हैं, यहां लिख रहा हूं एक्टिव, कि जब कार्बन से जुड़े चारों प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किरेल कार्बन उपस्थित हो, किरेल कार्बन उपस्थित हो। किरेल कार्बन किसे बोलेंगे, किरेल कार्बन वह कार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणुओं या भिन्न भिन्न अणुओं से जुड़ी हो,
या वो कौन सा होगा? किरियल कार्बन होगा, यानी चारों पे जो कार्बन की चारों जो संयोजकता होती है, ये कार्बन की चार संयोजकता है, तो इस पे कोई दूसरा एटम होना चाहिए, इस पे भी दूसरा, इस पे भी दूसरा कोई ग्रुप, इस पे भी दूसरा कोई ग्रुप होना चाहिए, यानी ये चारों ग्रुप क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। जिसमें ये चारों ग्रुप सेम नहीं है वो कैसा होगा? वो एक्टिव होगा। कैसा होगा? एक्टिव होगा। उसके लिए एक्टिव शब्द का यूज करेंगे। कोई डाउट नहीं? आगे आते हैं, आगे आते हैं, नोट करते जाओ यहां तक। अब आगे आते हैं कि एक चीज आपको बताऊं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसो इसे बोलते हैं। आइसो, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ देखें तो आइसो किसे बोलेंगे? आइसो इसे बोलते हैं कि इस चीज के साथ, इसे आइसो शब्द बोलते हैं। इस समूह को क्या बोलते हैं? आइसो। इसे क्या बोलते हैं? आइसो। और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं सेकेंडरी। एक चीज लिखाऊंगा, इसे ही आइसो बोलते हैं और इसे ही सेकेंडरी बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? आइसो बोलेंगे। क्यों बोलते हैं तो इस चीज को भी अभी समझते हैं। इसको आइसो क्यों बोलते हैं? आइसो के लिए हमने क्या बात की थी? आइसो के लिए बात की थी कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर सी एच थ्री समूह जुड़ा है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर सी एच थ्री समूह जुड़ा है, तो एक अगर मैं कुछ ऐसा नाम लिखूं क्लियर, इसमें कार्बन देखो, अगर मैं कार्बन की चेन, ये वाली चेन है, हालांकि चेन की सिलेक्शन की बात नहीं की, ये कार्बन पहला और ये दूसरा, सेकंड लास्ट यही है, और ये सेकंड लास्ट कार्बन यही है, सॉरी लास्ट कार्बन यही है, तो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे कौन जुड़ा है? सी एच थ्री समूह जुड़ा है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? आइसो समूह बोला गया है, आइसो समूह बोला गया। और जबकि मैंने नियो के लिए बात की थी, नियो में मैंने स्पष्ट बोला था कि कम से कम पांच कार्बन होने चाहिए, कितने? पांच कार्बन होने चाहिए, तो नियो के लिए कम से कम ये वाला सिस्टम जरूरी है, तभी उसे नियो बोलेंगे। आइसो के लिए इस समूह को भी क्या बोल सकते हैं? हम आइसो बोल सकते हैं, इसे भी क्या बोल सकते हैं? आइसो बोल सकते हैं। तो याद रखना ये आइसो ग्रुप है, और यही कौन सा ग्रुप है? सेकेंडरी ग्रुप है, इसके लिए द्वितीयक शब्द भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन लिखूंगा, समझ जाना, यानी कि इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना, इस समूह को आइसो बोलेंगे। तो आगे लिखते हैं, इसे क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए? आइसो फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप के लिए ये वाला समूह, इसे क्या बोलेंगे हम? आइसो बोलेंगे। अब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जांपल लेने होंगे, वो एग्जांपल से सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। साथ ही अभी तक हमने किसकी बात की थी कि सैचुरेटेड मोनोवैलेंट हाइड्रोकार्बन की बात की थी, अब बाइवैलेंट की बात करेंगे हाइड्रोकार्बन या रेडिकल की, फिर ट्राइवैलेंट की बात करेंगे, उसको देखेंगे। पहले इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे कैसे नाम लिखेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास ब्यूटिल, सबसे पहले नाम लिख के बताता हूं, एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन को समझ, एग्जांपल को समझाता हूं कि आइसोप्रोपिल एंड सेकेंडरी ब्यूटिल, सॉरी सेकेंडरी प्रोपिल, दोनों एक ही है। दिमाग में सेट कर लेना कि आइसोप्रोपिल जो लिखेंगे वही क्या है? सेकेंडरी प्रोपिल है। लिखो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल है, यानी कि एक हाइड्रोजन गया, आइसोप्रोपेन नहीं है, आइसोप्रोपिल है, तो एक हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोल और सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोल, दोनों एक ही है। कैसे? तो मैं आइसो लिखूं, तो ये वाला ग्रुप हो गया कौन सा? ये वाला कौन सा होगा? आइसो। और इस पे कौन जुड़ा? OH, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। सेकेंडरी पे कौन सा होगा? जिस पे मुक्त संयोजकता, कितने नंबर कार्बन हो? 2 डिग्री कार्बन पे हो, तो ये देखो, यानी इस पे 2 कार्बन जोड़ दो, ये मुक्त संयोजकता है, इस पे जुड़ा, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो इसका मतलब आइसोप्रोपिल एल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल आर सेम। याद रखना
कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या है, सेकेंड प्रोपिल अल्कोहल एक ही चीज है, परंतु प्रिफरेंस सबसे ज्यादा आइसोप्रोपिल को दिया जाता है, सेकेंड को नहीं दिया जाता। क्लियर? और जब नाम करते हैं ना तो अल्फाबेट में एन आइसोनियो को गिना जाता है, जबकि सेकेंडरी टर्शियरी और एक्टिव को नहीं गिना जाता। ये भी दिमाग में सेट कर लेना, लिख लेना कॉपी के पेज के ऊपर कि नामकरण में अल्फाबेट के ऑर्डर में एन आइसोनियो को तो गिना जाता है और सेकेंडरी टर्शियरी को नहीं गिना जाता। अब इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं लिखूं एन ब्यूटिल अल्कोहल, अगर मैं लिखूं ब्यूटिल अल्कोहल की बात करूं, ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल क्यों लिखा, ब्यूटेन क्यों नहीं लिखा, तो इसको मैंने पहले भी बताया कि अगर ये वाला ग्रुप है एल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एल्किल। अगर एल्केन से दो हाइड्रोजन निकाल लूं और एल्केन से तीन हाइड्रोजन निकाल लूं, दो हाइड्रोजन के दो केस बनेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर बता देता हूं कि दो हाइड्रोजन निकालूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, एल्किल आयोडाइन, और इसे एल्किल आयोडाइन ये यूज करेंगे उसके नाम के आगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ये CH4 है, अगर एक हाइड्रोजन निकाला, इससे एक हाइड्रोजन निकाला तो मैंने इसे क्या बोल दिया, क्या है, मेथेन है, इसे क्या बोलूंगा, मेथिल। CH3 को क्या बोलूंगा, मेथिल। अगर यहां पे कोई समूह जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप मान लो कोई भी जुड़ा है, तो उसको नाम लिख देंगे मेथिल अल्कोहल या एथिल होगा तो एथिल अल्कोहल। अगर यहां पे CH4 में से दो हाइड्रोजन निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा, मेथिलाइडिन। अगर यहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, मेथिलाइडिन अल्कोहल, जिससे पता चल जाता है नाम से आईडीन लगता ही क्या हो गया, इसका मतलब इसे दो हाइड्रोजन गायब है। अगर ये मेथेन है, अगर इसे तीन हाइड्रोजन निकाल लूं तो इसे क्या बोलूंगा, मेथिल आयोडाइन, मेथिलाइडाइन, ये इन है और यहां आयन है, तो ये दिमाग में सेट करना। कोई दिक्कत आओ तो नाम लिखते हैं। अगर मेरे पास ब्यूटिल अल्कोहल है तो इसे कैसे कैसे लिख सकता हूं, है ना, इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं, इनके सारे नाम डिस्कस करेंगे। तो ब्यूटिल अल्कोहल है, अगर मैं बोलूं कि इसे लिखना है मुझे एन ब्यूटिल अल्कोहल, तो एन का मतलब क्या है, सीधी श्रृंखला है, और ब्यूटिल अल्कोहल का मतलब क्या है कि ब्यूटिल समूह के साथ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ये तो कौन सा हो गया, ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया हमारे पास कौन सा, जनरल कॉमन नेमिंग में देखा था ना प्रीफिक्स, और ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप सफिक्स। तो ब्यूटिल नाम लिखते हैं, तो ब्यूटिल अल्कोहल है, ब्यूटिल का मतलब कार्बन कितने, चार, ये एक दो तीन चार ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, ये सीधी श्रृंखला, तो इसको लिख सकते हो एन ब्यूटिल अल्कोहल। अगर मुझे लिखना है आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, तो देखो अगर ये वाला होता अगर यहां पे जुड़ा सी एस थ्री समूह, यहां पे कौन जुड़ा है सी एस थ्री समूह, अब आप देखो ये लास्ट कार्बन है ना, ये लास्ट कार्बन है, और लास्ट कार्बन से पहला कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, और इस पे कौन जुड़ा है सी एस थ्री समूह जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि पूरे कार्बन की संख्या गिनेंगे एक दो तीन चार, तो क्या लिखेंगे आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अगर इसे मैं लिखना चाहूं नियो, तो कैसे लिखूंगा, तो नियो के लिए कम से कम कितने कार्बन की संख्या जरूरी है, नियो के लिए कम से कम कितने, पांच कार्बन जरूरी है, तो क्या नियो लिख सकता हूं, क्या देखते हैं, आगे नहीं है पांच कार्बन चार ही, अगर यहां पे ओच लगाऊं तो क्या हो गया, तो दिमाग में सेट कर लेना कितने डिग्री कार्बन हो गया, इस कार्बन से एक ये दो ये तीन जुड़े कार्बन, तीन जुड़े तो ये कितने डिग्री हो गया, थ्री डिग्री। और मैंने कहा था कि जब क्रियात्मक समूह
3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो या जब उसकी मुक्त संयोजकता कितने 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हो तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, टर्शरी यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोल, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोल। और ये आपके 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में, एक नंबर का था कि टर्शरी ब्यूटिल एल्कोल की संरचना लिखो। तो ये टर्शरी ब्यूटिल एल्कोल के टर्शरी कब यूज होगा, जब क्रियात्मक समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया, 1, 2, 3, तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोल। टर्शरी लिखा लिखा तो इसका मतलब सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी का होगा मतलब कहां जुड़ा होगा, ये ओच समूह कहां पे जुड़ा होगा, 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा होगा। तो जोड़ देते हैं, तो ये वाला देखो 4 कार्बन है, CH3, CH, CH, CH3, तो ये कार्बन भी 2 कार्बन से, ये कार्बन भी 2 कार्बन, तो कहीं पे भी जोड़ो, ये यहाँ पे क्या जोड़ दूं मैं, OH समूह जोड़ दूं, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ब्यूटिल एल्कोहल के 4 नाम लिख सकते हैं, कौन कौन से, एन ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल, नियो नहीं लिख सकते क्योंकि 5 कार्बन की जरूरत होगी, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल लिख सकते हैं और सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल लिख सकते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही एक और देते हैं आपको, पेंटिलेमिन, कैसे पेंटिलेमिन का नाम लिखने के लिए, तो पेंटिलेमिन को डिस्कस करते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल आर सेम, आइसोप्रोपिल के साथ और सेकेंडरी प्रोपिल के साथ सेम होगा, प्रोपिल के साथ ही बात की, बाकियों के साथ नहीं है। क्लियर, बाकियों के साथ नहीं है, क्यों नहीं है, आप ऐसे बोल दोगे सर आपने ही बताया था, तो इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटिल एंड आइसोब्यूटिल आर सेम, गलत है भाई साहब, केवल किसके लिए, सेकेंडरी प्रोपिल एंड आइसोप्रोपिल के लिए, देखा भी था, अगर इसको लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, कुछ ऐसे ही लिखा था, ये 2 डिग्री कार्बन है यहां पे जुड़ा है तो वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया, और आइसो लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, CH3 इधर डालते हैं, CH2 और यहाँ पे OH डालते हैं, यही लिखते हैं, तो अंतर है ना दोनों में, ये सेकेंडरी है, ये कौन सा है, आइसो, ये सेम नहीं है, जबकि इसके लिए तो क्या होता है, यही तो कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है, और यही टर्मिनल से पहले वाला कार्बन है, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पे सेम हो जाते हैं। क्लियर। और मैंने कहा था ना आइसोप्रोपिल एल्कोल, एल्कोल को ये क्या बोलते हैं, स्प्रिट बोलते हैं, क्या है, स्प्रिट, तो स्प्रिट का फॉर्मूला आ जाए आपके सामने, क्योंकि अभी स्प्रिट बहुत ज्यादा चल रही है, तो स्प्रिट का फॉर्मूला आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ऐसा कुछ लिख दोगे, आइसोप्रोपिल एल्कोल ही क्या है, स्प्रिट, तो एग्जाम में ध्यान रखना कि आइसोप्रोपिल एल्कोल ही क्या है, स्प्रिट है। क्लियर, आओ तो आगे चलते हैं, अगर आपके सामने आ जाए कुछ ऐसा, क्या आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, क्या आए देखते हैं, कि आपको लिखना हो पेंटिलेमिन का नाम, तो देखते हैं पेंटिलेमिन, पेंटिलेमिन यानी कि NH2 ग्रुप कौन है, सफिक्स के रूप में, और पेंटिल समूह यानी कि पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकला है, तो पहले पेंटेन का मतलब 5 कार्बन और एमिन जुड़ा मतलब NH2 समूह जुड़ा है, कॉमन नाम है, सीधा सा बंधा है, तो 5 कार्बन लिखते हैं CH3 CH2 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 4 CH2, और यहां पे क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटिलेमिन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इसका हो गया एन पेंटिल एमिन, सीधी एक कार्बन श्रृंखला, इसका नाम क्या हो गया, एन पेंटिल एमिन। अब इसके बाद आइसो कैसे लिखेंगे, तो आइसो पेंटिल एमिन, आइसो पेंटिल एमिन, आइसो पेंटिल एमिन लिखने के लिए हम लिखेंगे 5 कार्बन, ये रही
ये पांच। और सेकंड लास्ट कार्बन पे हम क्या कर देंगे, CH3 समूह जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटिल और एमीन समूह जुड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ दो एमीन, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोपेंटिल एमीन। ऐसे ही आपके सामने आ जाए नियोपेंटिल एमीन। नियोपेंटिल एमीन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 पांच कार्बन चाहिए, CH2 और यहां पे जोड़ दिया NH2, तो पांच कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, तो नियो तो हो गया कंप्लीट। ये समूह कौन सा हो गया, नियो समूह हो गया। अब ये जुड़ा एमीन, तो इसका नाम क्या हो गया, नियोपेंटिल एमीन। कोई दिक्कत, नियोपेंटिल एमीन क्लियर। अब आगे नियोपेंटिल के बाद देखते हैं कि आइसोपेंटिल एमीन है ना, आइसोपेंटिल एमीन है। इधर देखो कि आइसोपेंटिल एमीन को अगर मैं इस NH2 समूह को यहां जोड़ दूं, कहां जोड़ दूं, यहां जोड़ दूं, कहां जोड़ दूं, यहां, तो क्या होगा, तो उसका नाम कैसे चेंज हो जाएगा, तो देखते हैं CH और CH3 और यहां पे कौन सा जोड़ दिया, NH2 समूह। तो ये तो भाई साहब टर्मिनल कार्बन से पहले कार्बन पे CH3 समूह जुड़ा है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि आइस हो गया। इसका नाम क्या, आइसोपेंटिल एमीन ही होगा क्या, तो ये और ये तो सेम हो जाएंगे। तो क्या है, तो देखो इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिकों से जुड़ी है, जैसे इधर तो कौन सा जुड़ा, ये समूह, इधर CH3 समूह, इधर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को ऐसे लिखो तो इधर हाइड्रोजन और इधर एमीन समूह। तो चारों संयोजकता कैसी है, भिन्न भिन्न है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, किरेल, और फंक्शनल ग्रुप किरेल कार्बन से जुड़ा है, तो उसके लिए हम क्या यूज लेंगे, एक्टिव, तो ये स्टार लिखते क्या हो गया, एक्टिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एक्टिव, बस बाकी वही आइसोपेंटिल एमीन। कोई डाउट भाई साहब, ऐसे नाम आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ऐसा करते इसका नाम क्या हो गया, ये कार्बन कैसा हो गया, किरेल कार्बन भी इसके चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु या भिन्न भिन्न अणुओं या भिन्न भिन्न यौगिकों से जुड़ा है, और ये जो क्रियात्मक समूह है ये किससे जुड़ा है, ये भी किससे जुड़ा है, ये किरेल कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्टिव यूज करेंगे, उसके लिए नाम के आगे उस क्या यूज करेंगे, एक्टिव यूज करेंगे, तो एन आइसो नियो हो गया। अब सेकेंडरी टर्सरी यूज होगा क्या, तो सेकेंडरी टर्सरी में देख लेते हैं, इसके लिए पेंटिल एमीन के लिए सेकेंडरी और टर्सरी कैसे यूज होंगे, तो देखते हैं। पेंटिल समूह है, सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखूं सेकेंडरी पेंटिल एमीन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नाम आ जाए कि सेकेंडरी पेंटिल एमीन का नाम लिखो, तो डरना नहीं, इसका मतलब सेकेंडरी का मतलब क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कितने 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो लिखे पहले नाम CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी से इस पे जोड़ा हूं एक बार, ये जोड़ा NH2 समूह जोड़ा यहां पे, तो ये हो गया कौन सा, सेकेंडरी पेंटिल एमीन। क्यों, ये कार्बन की मुक्त संयोजकता कौन सी, 2 डिग्री कार्बन पे, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, तो ये हो गया सेकेंडरी पेंटिल एमीन। तो सर ये भी 2 डिग्री तो है, ये भी 2 डिग्री तो है, हाँ है, तो इस पे क्यों नहीं जोड़ा, जोड़ के देखते, तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये जोड़ा, तो क्या सर ये भी सेकेंडरी पेंटिल एमीन होगा, ये भी सेकेंडरी पेंटिल एमीन होगा क्या, हाँ होंगे तो दोनों ही सेकेंडरी पेंटिल एमीन, परंतु मैं गौर करूं अगर ध्यान से देखूं तो इस कार्बन से पूछूं भाई साहब ये अलग जुड़ा है, ये संयोजकता अलग जुड़ी है, ये संयोजकता अलग जुड़ी है और एक हाइड्रोजन अलग जुड़ा है, तो चारों क्या है, इस कार्बन की चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु अणु या यौगिकों से जुड़ी है, क्लियर बात, तो इसका मतलब ये है तो सेकेंडरी पेंटिल एमीन, पर ये कार्बन कौन सा एक्टिव है, कौन सा है एक्टिव, तो इसका इसका नाम क्या होगा, एक्टिव सेकेंडरी
पेंटिलेमिन। तो इसका भाई साहब इसकी ये CH2 ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो यानी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न नहीं है, तीन ही संयोजकता भिन्न है, एक दो तीन, ये दोनों तो आपस में सेम हो गए, कोई चारों संयोजकता भिन्न भिन्न नहीं है, ये दोनों तो सेम हो गए, दो ही चेंज है, ये दोनों सेम हो गए, इसलिए इसके लिए एक्टिव यूज नहीं होगा। तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी पेंटिल एमिन। आया कुछ दिमाग में, सेकेंडरी पेंटिल एमिन, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं टर्शरी कब लिखते हैं, टर्शरी कब लिखते हैं, टर्शरी के लिए हम क्या लिखेंगे, टर्शरी के लिए हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मुक्त संयोजकता 3 डिग्री कार्बन पे, या फिर क्या, या जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो लिखते हैं एक बार नाम, ये CH3, ये क्या कर दूं इसे CH2, एक दो तीन चार, और ये कर दिया मैंने CH3, और यहां पे कौन जुड़ा है, NH2 समूह जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो गया, तो ये कार्बन कौन सा गया 3 डिग्री, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, ये वाला जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कौन सा, टर्शरी पेंटिल एमीन, टर्शरी पेंटिल एमीन। क्या ये एक्टिव है, क्या नहीं, क्या टर्शरी में एक्टिव हो सकता है, इसमें कैसे हो सकता है भाई साहब, टर्शरी की बात करते ही देख लो, तो CH3 CH2 कितने, एक दो तीन, CH3 एक दो तीन चार पांच हो गए, OH जोड़ा, सॉरी NH2 समूह जोड़ा, यही तो नाम है वो, यही तो नाम है वो। तो ये समूह क्या हो गया, सेम हो गया, इसके लिए एक्टिव शब्द यूज नहीं होगा। तो इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी पेंटिल एमीन, क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये इनका नाम हो गया। अब कभी कभी दिमाग में आता है कि सर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं ये देखना कि CH2 और NH2 है, ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एन पेंटिलेमिन। मेरे दिमाग में आ गया कि मैं इस CH3 समूह को यहां ले आया, मेरे दिमाग में आ गया, तो क्या ये अब एन पेंटिलेमिन है, नहीं, तो ये कौन सा होगा, एन पेंटिलेमिन तो नहीं है, तो आइसो है, नहीं, तो नियो है, नियो देखा 5 कार्बन, नहीं, तो कौन सा है, सेकेंडरी है, कहां भाई साहब, क्रियात्मक समूह तो 1 डिग्री कार्बन से, नहीं, तो टर्शरी, नहीं, तो कौन है भाई साहब, इसे पूछा तुम कौन है, तो इसने कहा भाई साहब बड़े ध्यान से देखो, ये समूह अलग है, ये समूह अलग है, ये समूह अलग है, ये अलग है, तो मेरे चारों अलग है, मैं तो स्टार मार्क कर रहा हूं, यानी मैं एक्टिव हूं। तो इसका नाम हो जाएगा एक्टिव पेंटिलेमिन, एक्टिव पेंटिल एमिन, एक्टिव पेंटिल एमिन। तो ऐसे ऐसे हम लिख पा रहे थे किसका, पेंटिल एमिन का नाम, क्लियर। अब आप भी ट्राई करना और आप लिखना नाम किसी का, तो आप लिखना पेंटिल एमिन का मैंने करवाया, आप पेंटिल एल्कोल का आप करना है ना, सारे नाम लिखना, कैसे कैसे लिख सकते हो, सारी संरचना बनाना और कैसे कैसे चेंज करके उसका नाम लिख सकते हो, सारे नाम लिख देना है ना, तो पेंटिल एल्कोल का आप नाम लिखोगे, कोई डाउट, कोई नहीं, चलो। साथ ही आपके एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे आंसर बताना, क्वेश्चन क्या है कि वही एक तो आइसोप्रोपिल और सेकंड प्रोपिल एल्कोल आर सेम, बट आइसोब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल आर डिफरेंट, क्यों हो गए भाई, आइसोप्रोपिल ये तो करवा दिया, हाँ एक चीज ये तो मैंने करवा ही दिया, आपको करना है टर्शरी ब्यूटिल,
टर्सी ब्यूटिल और नियो टर्सी ब्यूटिल और नियो ब्यूटिल सेम नहीं है क्यों भाई? टर्सी ब्यूटिल और नियो ब्यूटिल सेम नहीं है क्यों नहीं है, इसको आपको पता करना है क्यों सेम नहीं, ऐसा क्या है कि टर्सी ब्यूटिल और नियो ब्यूटिल सेम नहीं है, इसको आपको मुझे बताना है। क्लियर? अगर ये कर लिया आपने तो आपका सारा टर्सी नियो आइसो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, जबकि मैं बता चुका हूं इन दोनों को।